भाई दोबारा से पता नहीं क्यों हर बारी मेरे साथ ही होता है। सो अगेन 5:40 की मेरी ट्रेन है, अभी 5:20 हो रहे हैं। कहाँ जा रहा हूँ आपको पता चली गया होगा थंबनेल देखकर, बट कैसे जा रहा हूँ और किस तरीके से पहुँच पा रहा हूँ वो आप देख लो। तो पिछले 2 महीनों से घर में खाली बैठने की वजह से एकदम बोर हो गया था, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, कुछ अच्छा हो नहीं रहा था, बस खाली बैठे बैठे ऐसा लग रहा था कि अब करूं तो करूं क्या, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा था जैसा पहले होता था। तो क्या बस एक ही जगह थी जहाँ पर जाके सब ठीक हो सकता था, और वो है वृंदावन। सीरियसली बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस इसे कहते हैं। सिर्फ 1 मिनट पहले और वो भी साथ में नितिन था, उसने क्या खतरनाक बाइक चलाई भाई, मैंने हाथ जोड़ लिए, आजकल उसके साथ नहीं बैठूंगा फिलहाल। और लेट होते हुए हमको ये भी खरीदना था शटल, क्योंकि मथुरा में मिल नहीं रही है उनको, और मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, यहाँ से मेरे को 1100 की मिली है, और अभी 5:42 और जस्ट अभी ट्रेन चली है। अगर एकदम टाइम पर चलती 5:40 तो कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे पता है ट्रेन और फ्लाइट पकड़ने का चक्कर, कुछ पहले निकलना पड़ेगा। शिट मैन, उसने जो बाइक चलाई है ना वो ख़तरनाक है, अगर उसने ऐसी बाइक नहीं चलाई होती तो मैंने शायद, ये सारी चीज़ें ना लिखा होता है, देखो अपना ऑटो से आ रहा था या फिर ओला बाइक कर रहा था, और अगर मैं ऐसा आ रहा होता तो मैं ही पहुँचता हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने नितिन को बोला कि नितिन अगर मैं अपनी बाइक से जाता हूँ और अपनी बाइक वहाँ पर किसी पार्किंग में लगा देता हूँ तो क्या सेफ़ है? उसने कहा नहीं भाई तू ऐसे ही कर रहा है, मैं आ रहा हूँ तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, और वो आया तो उसने ये जो बाइक चलाई। तो सफ़र देखो, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखो, सीधा वृंदावन जाते हुए सीधा वृंदावन पहुँचूंगा मासी के यहाँ पे, जहाँ उन्होंने आपकी शिफ्ट कर लिया है, क्या कहानी है सब कुछ तभी बताऊँगा। फिलहाल सिनेमैटिक शॉट्स देखो और मैं आपको कोच दिखा देता हूँ, सर मैंने सेकंड सीटिंग करी है, मतलब सीट है, कोई स्लीपर व्लीपर नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कुछ इस तरीके से। तो एक बार फिर से चलते हैं उस नगरी की ओर, जिस नगरी की हवा में राधे राधे है, पानी में राधे राधे है, मिट्टी में राधे राधे है, इस नगरी के बच्चों के मुंह पे राधे राधे है, हर एक उस गली में राधे राधे है, हर उस पशु के मुंह पे राधे राधे है, हर एक पक्षी के मुंह पे राधे राधे है, यहाँ के बंदर भी राधे राधे है, यहाँ के लोग भी राधे राधे है, ये नगरी ही राधे राधे है। तो सब मेरे साथ एक बार बोलिएगा जय जय श्री राधे श्याम। तो चलिए शुरू करते हैं एक बारी और वृंदावन का सफर। तो फाइनली वृंदावन में पहुंच चुका हूं, ये पीछे रामकृष्ण मार्ग है, बट बेसिकली मेरे को भी क्या लग रहा है कि जो मेरे साथ टेम्पो ट्रैवलर वाला था, आपने देख लिया होगा कैसे गाने चला रखा था, चलो वो उसकी अपनी चॉइस है, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट उसने मेरे को छोड़ दिया इस वक्त गलत जगह पे। जो एक मैं आपको एक द्वार दिखा रहा हूँ ना पीछे, जो आप मेरे को देख रहे हो पीछे, ऐसे हैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता, मैंने आपको 2 द्वार के बारे में पता है, जिसमें एक साफ साफ लिखा है मारो वृंदावन लिखा है, बट ये वो द्वार नहीं है, मैंने कर कभी उस टाइम फोकस नहीं किया, और जब उतर गया हूँ तो मैंने देखा है। तो यार कैसे कैसे बंदे ऐसा क्यों करते हैं, छठी ग्रह वाला है और ये दूर है प्रेम मंदिर से ना, आई डोंट नो कि क्यों किया उसने ऐसा। चलो कोई नहीं, अब चला गया, कोई इन चीज़ों को रेग्रेट नहीं करते, बट कोई नहीं, कार्तिक आ रहे लेने। हाँ, सो फाइनली अभी मैं आपको जो बताने वाला था वो ये था कि यहाँ पे जो मेरी मासी है वो शिफ्ट हो चुकी है वृंदावन में, तो मैं उन्हीं के घर पर आया हूँ और घूमूंगा यहाँ पे और उनके साथ भक्ति करूँगा। बेसिकली क्या है उनका, क्या जो भी है वो मैं मतलब बाद में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, बट फिलहाल अभी कार्तिक लेने आ रहा है तो उसका वेट करता हूँ, और प्याज बहुत जोर की लग रही है तो पहले पानी पी लेता हूँ, और अभी जो हो चुका है कोई बात नहीं, फिलहाल अब आगे चलते हैं और कार्तिक के घर पे चलते हैं, वहाँ पे जाके उनका दिखाता हूँ कैसा घर है, सोसाइटी है, जिम वगैरह उसके अंदर ही है, जो भी है देखते हैं, एंड उसके बाद में रात में जल्दी सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, आई थिंक 3 या 4 बजे हमें जाना है राधा वल्लभ जी के यहाँ पे। तो चलो सीधा चलते कार्तिक का वेट करते हैं, उसके बाद हम चलते सीधा। सो फाइनली कार्तिक साहब को मिलवाते हुए, तो कार्तिक लेने राधे राधे, अब बोला है ब्लॉग में फर्स्ट टाइम राधे राधे, और फिलहाल जा रहे हैं सीधा सोसाइटी में जहाँ भी मतलब कार्तिक रह रहा है, बाकी सबसे भी इंट्रोड्यूस कराते हैं और चलते हैं। बाकी प्रेम मंदिर अभी पीछे चला गया है, मेरे को एकदम से मैंने देखा, फिर दिखाने का मौका मिल नहीं पाया आपको, बट कोई नहीं, अभी कल परसों जब तक है घूमेंगे और आपको दिखाएंगे सब कुछ।
सो फाइनली हम आ चुके हैं मासी के घर पे जो कि है वृंदावन में, और ये मौसा जी वगैरह लेट हो गए आराम से कच्चे बनियान में, और राधे राधे गाइस। तो श्री है वहाँ, तो अभी आप देख सकते हो कि विचार चल रहे हैं और मौसा जी देख रहे हैं इसे, और ये हमारी गुन्नू जी है, और ये हमारे मोटे लाला आ चुके हैं यहाँ पे वृंदावन, और अभी मैंने आपको दिखा दिया, बट ये सब स्क्रिप्टेड है क्योंकि मतलब मैं आ गया था, 10 मिनट हो गए मेरे को आए हुए, और मैं भूल गया था ऐसे मतलब वीडियो वगैरह बनाना, तो मैंने कहा चलो अब बनाता हूँ, तो मैंने कार्तिक को बोला, खाने को बोला कि मैं नॉक करूँगा तो गेट खोल, तो फिलहाल हम आ गए, ये घर है जो मासी ने लिया है, उस बाकी दिन में दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है फिलहाल अभी सब, तो अभी खाना वाना खाते हैं एंड उसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रोग्राम बनता है तो ठीक है, अदरवाइज सो देंगे क्योंकि कल जल्दी उठना है, और कल आपको दिखाने वाले वृंदावन, बहुत प्यारा वृंदावन, लेट्स गो। और इस बात खाने के साथ में मैच चल रहा है सामने RCB और CSK, और क्या स्कोर मार दिया 12 ओवर 13 ओवर में 142, बहुत बढ़िया खेल गया मैक्सवेल, मैं चाहता हूँ कि RCB जीते। सो राधे राधे, तो खाना हमारा तैयार हो चुका है और अभी ये जा रहे हैं फिलहाल स्कूल, और मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कि यहाँ पे वर्कआउट कहाँ कर सकती है, जिम है तो सही में आपको दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ मेरे को दिखा दे यार कहाँ पर है, दूर है। एक मिनट फ्रेश जल्दी आपको ये बताएगा कि यहाँ पे क्या कहते हैं जिम कहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर पे ही अपना फ्लोर, तो पहले देखता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ आज का वर्कआउट अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो। अगली सुबह 4:30 बजे तो नहीं पर 5:30 बजे उठ जाता हूँ, और काना को छोड़ने के लिए सोसाइटी के गेट तक जाता हूँ, लेट हो रहा है। और ये रही काना की साइकिल, अरे भाई देखो काना परेशान कह रहा मेरी साइकिल पे निशान आ जाएगा, किसने खड़ी कर दी, क्या यार काना है सुनने में, तेरा यहाँ पे तेरे पैर नहीं पोछते साइकिल पे, मतलब चला तो लेता हूँ लेकिन जब रोकनी होती है तो ऐसे सारा लेकर रोकता हूँ। तो सीट नीचे कर लो ना भाई, तो सीट पूरी नीचे में ही होती है, ये पूरी सीट नीचे है, नहीं अभी तो ऊपर रखी है, तो क्यों कर रखी है, अच्छा तो चलाएगा। खाना भी चलाता है कार्तिक, कार्तिक कहाँ जाता है, सोसाइटी में, शॉकर्स ये अच्छे व्हील्स अच्छे है, और एक चीज देखो यार ये मकड़ी के जाले हैं यार बड़े, इसको दबाओगे तो तुर किसको इसको इधर फिर भी ये देखो गाइस, और ये गियर के बटन दबाना भैया, इससे बोलते कि साइकिल को खड़े गियर नहीं दबाते, सीख तो वैन नहीं आ रही है बड़ी देर से, ये अभी तक नीचे खड़ा है, उसकी वैन नहीं आई है, सही नहीं है, कॉल करके पता कर रहे हैं, इसको भूल तो नहीं गए ले जाना। हे गाइस, तो अभी ये खाना दोबारा ऊपर आ गया क्योंकि इसकी वैन की हो गई है CNG खत्म, और उसको अभी आने में टाइम लगेगा, तो अभी फिलहाल तो कितना टाइम हो रहा है, एक मिनट में बोल रहा हूँ, मेरी घड़ी भी उतार के आ गया था जल्दी। अभी 7:30 हो चुके हैं, और वैसे तो प्लान था कि सुबह 4 बजे उठ के जाने का कार्तिक के साथ, बट नहीं उठ पाया, मतलब उसने उठाया भी नहीं और मैं इसलिए नहीं उठ पाया क्योंकि उसने उठाया नहीं और मैंने अलार्म नहीं लगाया था, तो अभी कार्तिक आ गया, अभी इवनिंग में जाएंगे, फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा जिम विम करने जाऊँ, क्यों हम लोग रहते हैं अब भैया जल्दी से मग्गा दो मारी डालते हैं भग जाता है, तो बट कल मैं कोशिश करूंगा कि कार्तिक के बिना टाइम में उठ जाऊं और फिर मॉर्निंग में जाए, बट अभी भी 7:30 बजे में 6 बजे उठ गया था, 1.5 घंटा भी ऐसे ना धो के मैं हो गया है भाई, कल पक्का जाऊंगा मैं इस ब्लॉग में बोल रहा हूँ, चैनल डिलीट कर दूंगा अगर सुबह 4 बजे नहीं उठ के मैं गया कार्तिक के साथ, चैनल डिलीट कर लेना, 2 बजे कर लेना, 4 बजे जाओ ना आ जाओ, 2 बजे उठ के वो दो रंगोली बनाएंगे तो 3 बजे आ जाते हैं, 2:45 तक आ जाते हैं, अच्छा तो ये भी कोशिश करेंगे 2:45, चलो मेरे ओट्स रखे हुए हैं कहीं ओट्स ना जल जाए, कुछ नहीं, तो कहना कि वैन आती नहीं है समय पे, तो हम चल देते हैं मॉर्निंग वार्म अप करने के लिए बैडमिंटन खेलते हुए, गाइस अगर बंदर आ रहे हैं बट बंदर यहां नहीं जाएंगे, मुझे पता ही आएंगे तो जाता हूं खाली मार्जिन, अगर बीच में तुम ब्लॉक कट गया तो सुबह टाइम के बारे में चलो ठीक है, बंदर फिलहाल छोटा सा जिम है तो खास कुछ मशीनें हैं नहीं यहाँ, बटरफ्लाई है उसके अलावा साइकिलिंग कार्डियो मशीन ही है, और लेट पुल डाउन वगैरह आप यूज़ मार सकते हो यहाँ पे, वो भी पता नहीं अभी कैसी है वायर, वो तो यूज़ करूँगा तब पता चलेगा,
और कुछ डंबल्स है, तो कुछ बेसिक एक्सरसाइज कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं। तो जैसा मैंने वृंदावन आने से पहले सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मैं सुबह जल्दी उठ पाया और सुबह उठने के बाद मैं वृंदावन नहीं जा पाया क्योंकि वर्कआउट करने के बाद में पता नहीं क्यों ऐसी थकावट सी हो गई और मैं आकर सो गया। सो हेलो गाइस, अभी भैया आए थे, विशाल भैया हमारे साथ खेलने के लिए आए थे बैडमिंटन, साथ में मजे करने के लिए आए थे, लेकिन आराम से सो रहे हैं। दिखाता हूँ, सो रहे हैं आराम से और ये बोल रहे थे कि हम तो बैडमिंटन खेलेंगे, शटल लाए हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो फिलहाल अभी सीन क्या हो गया, देखो जैसे कि हम पड़े हुए हैं सारे के सारे बेड पे, तो मेन मॉर्निंग में निकलना था घूमने के लिए, बट मॉर्निंग में इसलिए नहीं निकला क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, पर मुझे निकल जाना चाहिए था। मैंने आज पूरा सो गए थे, हाँ आज मैंने पूरा सोया नहीं, वर्कआउट करने गया, तो आज मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया है। और तो अभी हम शाम को जाएंगे और शाम को बहुत सारे मंदिर घूमने वाले हैं, इन्जॉय करने वाले हैं, फिलहाल भी बैडमिंटन खेलेंगे आधे घंटा, उसके बाद जाएंगे हम मंदिर। मैं सबको दिखाऊंगा, मैं बहुत बढ़िया। तो थोड़ी देर बैडमिंटन खेलने के बाद और कान्हा को झूला झुलाने के बाद मौसा जी, मैं और कार्तिक चले जाते हैं राधा वल्लभ जी की ओर। रहने दो, मौसा जी कहीं गिर गया तो। अभी हम आ चुके केशी घाट के पास में और अभी हम पियेंगे प्यारी सी चाय, वैसे पीता नहीं हूँ, और केशी घाट की बहुत प्यारी चाय होती है, और पीछे अपने पूरा यमुना सरानी जी है, और आपको बैक कैमरे से दिखा दूँ केशी घाट का भी। हम जा रहे हैं पैदल पैदल क्योंकि स्कूटी हमने पीछे खड़ी कर दी है, स्कूटी का रास्ता है नहीं, पीछे मौसा जी आ रहे हैं। आरती की तैयारी हो रही है यहाँ पे, बस थोड़ी देर में यमुना सरानी की आरती हुई जाएगी यहाँ पर, तो आप देख सकते हो श्रद्धालुओं की भीड़। तो अभी जस्ट सब रेडी हो रखे हैं की आरती के लिए, एंड सबको एक एक आरती की थाली दे दी है छोटी छोटी। अभी जस्ट आरती स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में। तो इतने खूबसूरत दिन के बीतने के बाद हम सब चले जाते हैं घर पे और प्यारा सा डिनर करके सो जाते हैं अगली सुबह के लिए, और अगली सुबह बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम जाने वाले हैं बरसाने की ओर, और बरसाने की ओर जाने वाला रास्ता जो को दिखने वाला है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही हरा भरा होने वाला है। तो एक बारी और जय जय श्री राधे श्याम।